Now next topic is dangling pointer in C language. What is mean by dangling pointers? A pointer variable which contains address of unknown locations or unreserved place known as dangling pointers. Means simple way में अगर बात करें, अगर किसी भी pointer variables के अंदर unreserved memory location का address available है या फिर unknown location का memory address available है, इस particular situation में pointer को consider किया जाएगा as a dangling pointers. Dangling pointers for examples, suppose that if we are declaring some pointer variable int star p, in that case we are not initializing any address inside p. लेकिन आपको पता होगा, suppose that इस particular situation में p a local variable है, if p is a local variable, किसी भी लोकल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा इस केस में, ऑलवेज गार्बेज. इस पर्टिकुलर डायग्राम्स के केस में बात करूं, सिंपली पी एक लोकेशन क्रिएट होगा हैविंग एड्रेस समथिंग 100 पी. लेकिन पी के केस में अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं किया था, इस केस में असाइन किया होगा सम अननोन वैल्यूज, अननोन वैल्यू मे बी समथिंग 200. मीन्स पी के रिस्पेक्ट में 200 कंसिडर होगा एज अ एड्रेस. इस रियल में 200 क्या अननोन और गार्बेज वैल्यूज, लेकिन पी के रिस्पेक्ट में क्या मेमोरी एड्रेस. मीन्स पी इमीडिएटली उस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा जिस लोकेशन का एड्रेस 200 है. जरूरी नहीं कि ऑलवेज 200 होगा, मे बी 200 300, मीन्स एनी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू विच कैन नॉट बी प्रिडिक्ट. सपोज दैट अगर पी के अंदर 200, मीन्स मेमोरी के अंदर कोई तो ऐसा लोकेशन होगा जिस लोकेशन का मेमोरी एड्रेस कह रहा होगा समथिंग 200, लाइक दैट दिस वन इज अ 198 लोकेशन समथिंग, 200 लोकेशन समथिंग, 202 एंड सो ऑन. इमीडिएटली पी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, दैट वन. मीन्स पी के रिस्पेक्ट में इस लोकेशन का नेम क्या होगा, स्टार पी. मीन्स इस केस में स्टार पी कैसा लोकेशन है, अननोन और अनरिजर्व्ड प्लेस. इन दैट सिचुएशन पी इज कॉल्ड और पी बिकम्स डैंगलिंग पॉइंटर्स. डैंगलिंग पॉइंटर्स के केस में सपोज दैट इस पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आप राइट डाउन करते लाइक अ स्टार पी इक्वल्स टू 5, स्टार पी पी के केस में क्या है 200, मीन्स इट इज सिमिलर टू स्टार 200 इक्वल्स टू 5. मीन्स 5 फाइनली आसानी किस में हो रहा है, स्टार पी और स्टार 200, मीन्स दैट प्लेस. जैसे इस प्लेस पर 5 आसानी हो, लेकिन पर्टिकुलर लोकेशन कैसा, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड पोजिशंस और अनरिजर्व्ड प्लेस. इन दैट केस प्रोग्राम विल टेक्स अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, दैट्स वाई वी शुड अवॉइड यूज ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर्स. इज नेवर यूज और नेवर डी रेफरेंस डैंगलिंग पॉइंटर्स, लीड्स मे टेक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम. इज सेम पॉइंट मैंने वन बाई वन मेंशन किया. इन दैट केस फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर, ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर, सेकेंड डेफिनेशन जस्ट अभी डिस्क्राइब करेंगे, थर्ड वन वी शुड अवॉइड यूज ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर बिकॉज ऑफ गिवन रीजंस. सेम एज use of dangling pointer may take unexpected behavior of the programs. Suppose that अगर आपके पास कोई variable available है something x, value is 10, अगर x का address है 300, p के अंदर अगर suppose that garbage value available है 300, मीन्स पी के रिस्पेक्ट में 300 कैसा लोकेशन है, सम अननोन लोकेशन. मीन्स 300 मैनुअली असाइन किया हुआ, इम्प्लिसिटली असाइन हुआ है. इम्प्लिसिटली मीन्स पी के रिस्पेक्ट में इसको कंसिडर करेंगे क्या गार्बेज वैल्यू, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में 300 लोकेशन कैसा है, रिजर्व्ड. इस केस में अगेन पी कंसिडर हो गया डैंगलिंग पॉइंटर बिकॉज पी के पास किस टाइप का एड्रेस है, अननोन लोकेशन का एड्रेस. मीन्स रिजर्व्ड तो है, लेकिन रिजर्व्ड के साथ साथ कैसा, अननोन. अननोन अगेन इस केस में इनडायरेक्टली पॉइंट किसको करेगा, एक्सीडेंटली एक्स को. इसलिए एक्स का इनडायरेक्ट नेम क्या है, स्टार पी. अगर इस सिचुएशन में स्टार पी में कोई वैल्यू साइन करेंगे पी इक्वल टू स्टार पी इक्वल टू 5, इनडायरेक्टली मॉडिफिकेशन किस में होंगे, एक्स में. मीन्स इसके जस्ट बाद अगर आप एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराओ यूजिंग प्रिंट टैब, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है एक्स का, लाइक इंट एक्स इक्वल टू 10, एक्सपेक्ट वैल्यू इज 10, डैंगलिंग पॉइंट की वजह से रेज क्या हुआ 5. मीन्स प्रोग्राम विल टेक्स अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स. मीन्स डेंग किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करने का वेस्ट वे क्या होगा, सेकेंड वन. मीन्स इंट स्टार पी, मीन्स किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करने के जस्ट बाद अगर इमीडिएटली आपके पास कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं, देन इसको इनिशियलाइज करोगे यूजिंग नल एड्रेस, नल और जीरो. मीन्स दिस वन इज नॉट रिकमेंडेड और अवॉइड यूज ऑफ सच काइंड ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स. Never dereference dangling pointers. Next one, in case of dereference in dangling pointer, we are not getting any compile time error. In that case, we are getting
logical error not a compile time or runtime errors, or may takes runtime error in some cases. Next one is meanwhile, second definitions. A pointer which is pointing a memory location which is already got deallocated, known as dangling pointer. Means second case kya, suppose that pointers ke case mein aapne address kaisa assign kiya hai, address of non locations, but suppose that address initialize karne ke just baad agar immediately location deallocate ho raha hai, for examples white man is same task for example discuss karenge just after that sessions. In that case we are creating some pointer value int star p equals to null. Means current case mein pointer kaisa hai, now this pointer is pointing location null. Next one, inside block we are creating some local variable integer x equals to 10, after that p equals to address of x, then printf percent d star p. Next one, one more block into y equals to 5, simple, only that statement. After that finally again we are printing printf percent d displaying value of star p. Is what is the output of this code? Again is case mein p ka type kya hai, dangling pointer. Means is case mein identify karna whenever p becomes dangling pointer in that case. जैसे इस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करें, सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल पी अकॉर्डिंग टू स्टैक डायग्राम्स, समथिंग एड्रेस एज 198 96. वट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? मीन्स सबसे पहले एलोकेशन परफॉर्म कराएं लोकल वेरिएबल पी. पी के केस में इनिशियली क्या आसान है, नल. मीन्स इनिशियली पॉइंट किसको करें, सम null locations having address as 0. Next one, इसके जस्ट बाद जब control block के अंदर enter होगा, again memory allocated होगा to the variable x on the top of the stack. Next one, p के केस में, x के केस में initial value assign किया जाए 10. Next things, p equals to address of x, diagrams के according x का address क्या है 98, इसलिए p के केस में क्या assign होगा 98. जैसे इस प्लेस पर 98 assign होगा, immediately पॉइंटर पी इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा. इसके रिस्पेक्ट में इस लोकेशन का अदर नेम क्रिएट होगा जाए स्टार पी. इस लोकेशन 98 को एक्सेस करने के टोटल आपके पास इंटरफेस कितने, 2 यूजिंग एक्स यूजिंग स्टार पी. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद डिस्प्ले करा है स्टार पी, पी में क्या आसान है 98, इसलिए वैल्यू किसका डिस्प्ले हुआ स्टार 98 लोकेशन इज दैट वन विच इज 10 गॉट प्रिंटेड. इसके जस्ट बाद जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक से बाहर एंटर हुआ, सॉरी ब्लॉक के बाहर सेंड हुआ, इसके जस्ट बाद परफॉर्म किया हुआ डी एलोकेशन ऑफ एक्स, मीन्स एट दैट टाइम्स स्टार पी और पॉइंटर पी बिकम्स डैंगलिंग पॉइंटर. मीन्स अगेन ये लोकेशन कैसा, अनरिजर्व्ड प्लेस, दैट्स व्हाई पी इज कंसिडर्ड एज डैंगलिंग पॉइंटर एट दैट टाइम्स. मीन्स इसके जस्ट पहले पॉइंटर कैसा, ऑर्डिनरी पॉइंटर, बट in that case p becomes dangling pointer. This is the meanwhile second definition. A pointer which is pointing a memory location which is already got deallocated known as dangling pointer. Means agar pointer kisi aise location ko point kar raha hai jo already deallocate ya jiske liye already deallocation perform ho chuka hai, is particular situation mein pointer ka type consider kare as a dangling pointer. Again in that case may takes unexpected behavior. Means इसके जस्ट बाद जब कंट्रोल फिर से नेक्स्ट ब्लॉक में एंटर होगा, देन परफॉर्म क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर वाई. इस केस में मेमोरी एलोकेशन किस प्लेस से होगा, फ्रॉम अ अनरिजर्व्ड प्लेस व्हिच इज 98. मींस 98 है अगेन कैसा, अनरिजर्व्ड प्लेस. मींस जिस लोकेशन को पहले एक्स असाइन हुआ था, सेम लोकेशन अगेन असाइन होगा टू द वेरिएबल वाई, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में असाइन किया हो रहा है इस प्लेस पर 5. स्टार पी का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था 10, लेकिन अब स्टार पी का करेंट वैल्यू क्या है 5. मींस सेकंड टाइम जब प्रिंट टाइम यूज करेंगे, देन इस केस में डिस्प्ले क्या होगा 5. वन मोर थिंग्स, इस केस में पी किस टाइप के लोकेशंस को पॉइंट करा एट दैट टाइम, रिजर्व्ड प्लेस, सॉरी एट दैट टाइम रिजर्व्ड प्लेस. स्टिल दिस इन दैट केस पी कंसीडर्ड ए डैंगलिंग पॉइंट, मींस बिकॉज़ p
पी के केस में वाई का एड्रेस मैन्युअली असाइन नहीं किया है, एक्सीडेंटली अवेलेबल है, देयरफॉर अगेन पी इज कंसीडर्ड एज डैंगलिंग पॉइंट। इसके जस्ट बाद जब कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड हुआ देन परफॉर्म किया डी एलोकेशन फॉर वाई, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या असाइन हो चुका ऑलरेडी फाइव, इसलिए सेकेंड टाइम क्या प्रिंट होगा, देयर मे बी अ चांस ऑफ प्रिंटिंग फाइव, नॉट अ श्योर इन दैट केस मे बी अ चांस, मीन्स इस केस में प्रोग्राम का बिहेवियर एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं है।